हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का मैं एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में। जैसा कि मैंने सुबह वीडियो डाली थी कानपुर एयर स्टेशन की, उसका रिजल्ट आ चुका था एमटीएस का, जो कि 18 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका। तो आपने चेक नहीं किया है तो जाके चेक कीजिए, क्या आपका उसमें नंबर आया कि नहीं आया, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो तभी कमेंट आ रहे थे कि चेन्नई का रिजल्ट कब आएगा, आज डेट थी। तो देखो, आ चुका है, चेन्नई का भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये टर्नर का है और ये सारे जो भी आपका वो हुआ था आ चुके हैं। और इसमें ये मेरे पास टर्नर की पीडीएफ है, और भी जो पीडीएफ मिलेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हो। और यदि आपके पास कोई है पीडीएफ फ़ोटो की तो उसे इस नंबर पर सेंड कर दें, 7860-95-1966, ठीक है। इस नंबर पर सेंड कर दें, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप नंबर। तो ये देखो, ये आपका है, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए इन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड फॉर द स्किल टेस्ट और विल बी सेंट बाय द पोस्ट। एडमिट कार्ड जो स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी होगा, वो पोस्ट के द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। जिस तरह से आपका एडमिट कार्ड आया था रिटन टेस्ट के लिए, उसी तरह से स्किल टेस्ट के लिए आएगा, ये बोला है इन्होंने, बाई पोस्ट टू देयर एड्रेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो इस तरह से इन्होंने ये दिया है। रॉ नंबर ये देख लीजिए, आपका रॉ नंबर ये रहे, और इधर ये नेम ऑफ कैंडिडेट, ये नेम ऑफ कैंडिडेट दिए हैं, बस यही है। इनके मार्क्स बताए नहीं गए हैं, कमेंट में पूछते हो कि मार्क्स कितना है, कट ऑफ कितनी गई, तो ये कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बस इनके रॉ नंबर दिए और नेम ऑफ कैंडिडेट, तो ये इस तरह से दिए। तो ये ज़्यादा नहीं, ये तो मेरे पास है कि पीडीएफ है, और भी हैं, एलडीसी की आ चुकी है, और भी आ चुके हैं, तो सब आ चुके हैं, सब देख लूँगा, जैसे जैसे मुझे मिल जाएगी मैं टेलीग्राम पर डलवा दूँगा। बस चेन्नई का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना चेक कर लीजिए अच्छी तरह, और डलवा दूंगा, ठीक है, तुरंत देख के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और हाँ, ये और बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि अब आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, किस एग्ज़ाम की, ठीक है। तो ये और ज़रूर बताना, क्या एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए जाएँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 50 से 60 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको अगर सॉल्व करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।